प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें बहुत सारी कहानियाँ सुनाएंगे। जानवरों की कहानियाँ, जिन्हें हमने पुराने पंचतंत्र से लिया है। सबसे पहले आप सुनिए बंदर और मगरमच्छ की कहानी। हाँ तो बच्चों, सुनिए बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक नदी के किनारे एक बड़े पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसी पेड़ पर मीठे मीठे फल लगते थे और बंदर वही फल खाकर मजे से दिन बिता लेता। एक दिन उसी नदी के किनारे एक मगरमच्छ तैरता हुआ उसी पेड़ के पास आया जहाँ बंदर रहता था। बंदर ने उसे देखकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मगर ने ऊपर बंदर की ओर देखकर जवाब दिया, मैं मगर हूँ और खाने की तलाश में इधर आया हूँ। बंदर बहुत उदार दिल का था। उसने कहा, अरे मगर भाई, तुम ठीक जगह पर आए हो। यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं होती है। और उसने पेड़ पर से थोड़े फल तोड़कर मगरमच्छ की ओर फेंक दिए। लो, इन्हें चखो, अच्छे लगे तो और दूंगा। मगर ने फल खा लिए और उसे बहुत ही मीठे और अच्छे लगे। उस दिन से रोज मगर नदी के किनारे आता और बंदर के दिए हुए फल खाता, और धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती बढ़ गई। एक दिन ऐसे ही बातें कर रहे थे और बंदर ने कहा, मगर भाई, मैं तो दुनिया में एकदम अकेला हूँ और मैं आपकी दोस्ती पाकर अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ। मगर ने जवाब दिया, बंदर भाई, मैं भी तुम्हारे जैसे दोस्त को पाकर अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी एक पत्नी भी है। हमारा घर नदी के उस पार है। अरे मगर भाई, तुमने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं? बंदर ने पूछा। मैं अपनी भाभी के लिए भी थोड़े मीठे फल रोज भेज सकता था। आज तो ले ही जाओ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और यह कहकर बंदर ने मीठे से मीठे फल चुनकर मगर को दे दिए। मगर बहुत ही खुश होकर अपनी पत्नी के लिए अपने दोस्त की दी हुई भेंट ले गया। उसकी पत्नी को रसीले फल बहुत पसंद आए और उस दिन से रोज बंदर अपनी भाभी के लिए बढ़िया से बढ़िया फल तोड़कर भेजता था। मगर की पत्नी को मीठे मीठे फल तो अच्छे लगते थे, लेकिन उसके पति का देर से घर लौटना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसने मगर को कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम झूठ बोलते हो। बंदर कैसे मगर का दोस्त बन सकता है? मगर तो बंदरों को खा जाते हैं। मगर यह सुनकर हैरान हो गया। अरे तुम ऐसी कैसी बातें कर रही हो? मैं कहता हूँ बंदर सचमुच मेरा दोस्त है। भला मैं पेड़ पर कैसे चढ़ सकता हूँ? वो ही तुम्हारे लिए फल तोड़कर भेजता है। मगर की चालाक पत्नी ने सोचा, अगर वो बंदर रोज रोज इतने मीठे मीठे फल खाता है तो उसका मांस भी कितना मीठा होगा। अगर मुझे बंदर खाने को मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। उसने सोचकर एक तरकीब ढूंढ निकाली। आप उसे घर पर दावत के लिए क्यों नहीं बुलाते हैं? मैं भी आपके भले दोस्त को मिलना चाहती हूँ। मगर बोला, अरे क्या फिजूल की बात करती हो, बंदर तो जमीन पर रहता है, वो भला पानी में आएगा तो डूब नहीं जाएगा। लेकिन इस जवाब से मगर की पत्नी का कलेजा ठंडा नहीं हुआ। उसे बंदर का मांस खाने की बहुत ही इच्छा थी। एक दिन उसने बहुत बीमार होने का ढोंग रचाया और दर्द के मारे झर झर आंसू बहाने लगी। मगर उसकी पत्नी का दुख सह ना सका, लेकिन वो करता भी क्या। वह उसके पास बैठकर बोला, अरे
तुम तो बहुत बीमार हो। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बोलो ना। उसकी पत्नी ने जवाब दिया, आपको मालूम है मैं बहुत बीमार हूँ। मैं वैद्य के पास गई थी और उन्होंने कहा कि जब तक मैं बंदर का कलेजा नहीं खाऊंगी तब तक मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। मगर हैरान होकर बोला, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बंदर का कलेजा कहाँ से लाऊं? उसकी पत्नी ने जवाब दिया, क्यों, आपका वो जो बंदर दोस्त नदी के किनारे रहता है। हा? मैं भला उसे कैसे मार सकता हूँ, आखिर वो ही तो मेरा इस दुनिया में एक सच्चा दोस्त है। आप मुझे जिंदा रखना चाहते हो तो आपको उसका कलेजा मेरे लिए लाना ही पड़ेगा, उसकी पत्नी ने जिद करके कहा। और अगर तुम्हारा दोस्त ज्यादा प्यारा है तो उसी के पास जाकर रहो, तुम तो यही चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं। मगर बहुत हैरान हो गया, उसने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की मगर वो मानी ही नहीं। अंत में मगर को फैसला करना ही पड़ा। उसने मन ही मन में सोचा, मुझे मेरी पत्नी की देखभाल करनी चाहिए, उसका जीवन मेरे लिए ज्यादा कीमती है। और बड़े भारी मन से वो तैर कर अपने दोस्त के पास पहुंचा। बंदर ने पूछा, क्यों मगर भाई, आज इतनी देरी कैसे हो गई? मगर ने जवाब दिया, अरे क्या बताऊं बंदर भाई, मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा हो गया। वो कहती है मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें अपने घर पर नहीं बुलाया। बस इतनी सी बात है, मैं भी भाभी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो तैर नहीं सकता। अरे तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाऊंगा, बस तुम हाँ कर दो, नहीं तो फिर से तुम्हारी भाभी से झगड़ा होगा। बंदर जाने के लिए राजी हो गया। वह पेड़ पर से उतरकर मगर के पीठ पर आ बैठा और वो चल पड़े। नदी के बीच में आगे जाने की जगह मगर पानी में डुबकी लगाने लगा। बंदर घबराकर बोला, अरे अरे तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुम डुबकी लगाओगे तो मैं डूब जाऊंगा। मगर ने हंसकर जवाब दिया, मेरा भी तो यही इरादा है, मैं तुम्हें मारने के लिए ही तो लाया हूँ। पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारना चाहते हो? बंदर भाई मैं भी क्या करता, मेरी पत्नी बीमार है और वो तब तक ठीक नहीं होगी जब तक वो एक बंदर का कलेजा ना खाए, और मैंने तुम्हारे सिवा यहाँ कोई और बंदर भी तो नहीं देखा है। यह सुनकर पहले तो बंदर घबरा गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो चालाकी से काम लेना होगा। उसने सोचकर कहा, मेरे दोस्त तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो भाभी को बचाने के लिए अपना कलेजा खुशी से दे सकता था, लेकिन मैंने तो उसे नदी के किनारे पेड़ पर रखा है, तुमने पहले बता दिया होता तो मैं उसे साथ ले आता। ये बात है, बंदर ने जवाब दिया, हाँ अब जल्दी वापस चलो, भाभी की जान बचाने के लिए तो मुझे अपना कलेजा लेकर ही जाना होगा। मगर जल्दी से वापस पेड़ के नीचे तैरता हुआ आ पहुंचा, और किनारे पहुंचते ही बंदर छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया और फिर हंसकर मगर से कहा, जाओ मूर्ख दोस्त, अपने घर लौट जाओ और अपनी पत्नी से कहना कि तुम दुनिया के सबसे मूर्ख जानवर हो, भला कोई अपना कलेजा कैसे निकाल कर दे सकता है। बच्चों ये थी बंदर और मगरमच्छ की कहानी। देखी बंदर की चालाकी, कैसे मगरमच्छ को मूर्ख बना दिया। और अब आप सुनिए सारस और केकड़े की कहानी।
एक पहाड़ी के पास एक तालाब था। उस तालाब के किनारे एक सारस रहता था। तालाब मछलियों से भरा हुआ था और सारस पेट भरकर मछलियां खाता और आराम की जिंदगी बिताता। पर जैसे जैसे वह बूढ़ा होने लगा, उसके लिए मछलियां पकड़ना बहुत कठिन हो गया। कभी कभी उसे भूखा भी रहना पड़ता था। आखिर उसने अपनी भूख मिटाने का एक उपाय सोचा। वह उदास होकर अपना मुंह लटकाकर तालाब के किनारे जाकर खड़ा हो गया। उसे इस तरह खड़े हुए देखकर एक मछली ने पूछा, सारस चाचा, आप इस तरह उदास क्यों खड़े हो? सारस ने उत्तर दिया, मुझे तुम सबकी बहुत फिकर हो रही है। एक दूसरी मछली ने पानी से सर निकालकर पूछा, क्यों, क्या बात है? और उतने में बहुत सारी मछलियां वहां पहुंच गई। सारस ने थोड़े बनावटी आंसू बहाए और उदास होकर बोला, मैंने एक बहुत बुरी खबर सुनी है। कुछ दिन पहले कुछ लोग यहाँ आए थे और मैंने अपने कानों से उनको कहते हुए सुना है कि इस तालाब को मिट्टी से भर दिया जाएगा। मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि तुम सबका क्या होगा। सब मछलियां इस बात को सुनकर बहुत घबरा गई। उन्होंने सारस चाचा से पूछा, अब तुम ही बताओ चाचा, हम सब क्या करेंगे? सारस बड़ा गंभीर होकर बोला, यदि आप सबको मुझ पर विश्वास है तो एक उपाय बताऊं। सब मछलियों ने एक साथ जवाब दिया, हाँ चाचा, हम सबको आप पर विश्वास है। सारस बोला, तो सुनो मेरी बात। उस पहाड़ी के पीछे एक दूसरी बहुत बड़ी झील है। मैं तुम सबको बारी बारी उठाकर वहां ले चलूंगा। सब मछलियां चिल्लाने लगी, पहले मुझे, पहले मुझे ले चलो सारस चाचा, पहले मुझे। सारस तो यही चाहता था। जल्दी से उसने कुछ मछलियों को अपनी चोंच में दबाकर पहाड़ी के दूसरी ओर एक चट्टान पर जा पहुंचा और वहां आराम से बैठकर सब मछलियां खा डाली। थोड़ी देर बाद वह कुछ और मछलियों को उठाने तालाब पर पहुंचा। फिर से थोड़ी मछलियों को लेकर चट्टान पर गया और उन सब को मजे से खा लिया। सारस बोला, ये है जिंदगी। थोड़ी देर के लिए वहीं आराम कर लिया। आराम करने के बाद वह फिर से उड़कर तालाब पर आ पहुंचा और अब की बार तालाब पर एक बहुत बड़ा केकड़ा बैठा उसकी राह देख रहा था। सारस को देखते ही वह बोल उठा, चाचा, अब की बार आप मुझे ले चलो, आप तो सिर्फ मछलियों की सहायता करते हो। सारस ने मन में सोचा कि अब वो केकड़े को ही ले चलेगा। मछलियां खा खा कर वो थक गया है, जरा मुंह का स्वाद भी बदल जाएगा। सारस ने केकड़े को कहा, तुम सच कहते हो, इस बार मैं मछलियों को नहीं तुम्हें ले चलूंगा। और वह केकड़े को चोंच में दबाकर उड़ चला। काफी देर बाद केकड़े ने जब नीचे देखा तो उसे कोई भी तालाब या झील नहीं दिखाई दी। और जब सारस नीचे उतरने लगा तो उसने देखा कि चट्टान पर मछलियों की हड्डियों का एक बड़ा ढेर लगा हुआ था। उसने जल्दी से सारस से पूछा, झील कहाँ है और मछलियाँ कहाँ है सारस चाचा? सारस ने हंसकर जवाब दिया, कैसी झील और कैसी मछलियाँ? मछलियाँ तो मैंने खा ली और अब मैं तुम्हें खाऊंगा। सारस की बात सुनकर केकड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जल्दी से उलटकर सारस की गर्दन को अपने चंगुल में पकड़ लिया। सारस ने अपने को छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर छुड़ा ना सका। केकड़े ने
एकदम जोर से उसकी गर्दन को भींच लिया और सारस मर गया। धीरे धीरे चलते चलते केकड़ा अपने तालाब को लौट आया और थका हुआ पानी के किनारे बैठ गया। उसे देखकर सब मछलियां दौड़ी चली आई और पूछा, अरे केकड़े भाई, अरे केकड़े भाई, तुम क्यों वापस आ गए हो? और सारस चाचा कहाँ है? वो कहाँ चले गए? केकड़े ने सारस की धोखेबाजी की कहानी उन सबको सुनाई और यह भी बताया कि उसने उसे कैसे मार डाला और वह तब से मिलजुल कर तालाब में आराम से रहने लगे। अच्छा बच्चों, तो आपने सारस की धोखेबाजी और केकड़े की चतुराई की कहानी तो सुन ली और अब सुनिए गुटरगू गुटरगू। नहीं समझे? समझ गए? नहीं, कबूतर और जाल की कहानी। बच्चों, एक जंगल में बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। सारे दिन कबूतर कुछ खाने की खोज में घूमते और जब रात हो जाती तो वो सब मिलकर पीपल के पेड़ पर लौट आते और उसी पेड़ पर रात भर सोते आराम करते। एक दिन जब सब कबूतर खाने की खोज में गए हुए थे तभी अचानक एक छोटा कबूतर खुशी से चिल्लाने लगा, अरे अरे देखो दोस्तों, देखो उधर देखो, वहां जमीन पर कितना सारा दाना बिखरा पड़ा है। सब कबूतर उधर देखने लगे और उन्होंने देखा सचमुच ही जमीन पर बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है। खुश होकर सब कबूतर धीरे धीरे दाने की ओर नीचे उतरने लगे। इतने में एक बूढ़े कबूतर ने सबको सावधान किया, अजय ठहरो, अभी वहां मत जाओ, जंगल में अचानक इतना सारा दाना कहां से आ गया? एक दूसरा कबूतर बोला, कहीं से भी आ गया हो, हमें क्या, चलो भाई सब मिल दाना खाएंगे, चलो। सब कबूतर नीचे उतर कर दाना खाने लगे, लेकिन सिर्फ बूढ़ा कबूतर उनके साथ नीचे नहीं उतर के आया। जब सभी कबूतर दाना चुन चुन कर खा रहे थे तो बूढ़ा कबूतर दूर से देखता रहा। वो सब बड़े मस्त होकर दाना खा रहे थे और जब सबका पेट भर गया तो उसके बाद उड़ना चाहते थे, मगर क्या करे, उड़ नहीं सके। वजह ये थी कि उनके पैर एक बड़े जाल में फंस गए थे। कबूतर घबराकर चिल्लाने लगे, बचाओ, 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 हम जाल में फंस गए, बचाओ, अरे हमें कोई बचाओ। बूढ़ा कबूतर बोला, अजय घबराओ मत, कुछ तरीका तो सोचने दो। एक कबूतर चिल्लाने लगा, बूढ़ा कबूतर बोला, फिकर मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम सब मिलकर जोर लगाओ, एक साथ मिलकर जोर लगाने से जाल भी तुम्हारे साथ उड़ चलेगा। तभी कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया, देखते देखते जाल थोड़ा सा ऊपर की ओर उठने लगा। उन्होंने बच्चों और जोर लगाया, जाल और थोड़ा ऊपर उठने लगा। एक बार उन सबने मिलकर जोर लगाया तो जाल उनके साथ साथ और भी ऊपर उठा। वो जाल को लेकर उड़ने लगे। बूढ़ा कबूतर आगे उड़कर चिल्ला रहा था, तुम सब मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले चलूंगा,
वहां कोई तुम्हें नहीं पकड़ सकेगा। जब सारे कबूतर उड़ते उड़ते बहुत दूर जा पहुंचे तब बूढ़े कबूतर ने कहा, तुम सब इस पेड़ के नीचे उतर आओ, यहाँ पर मेरा एक दोस्त चूहा रहता है, वो हमारी जरूर मदद करेगा। बूढ़े कबूतर ने चूहे को बुलाया। चूहा आया और कुतर कुतर कर उस जाल को काट दिया। एक एक करके सब कबूतर जाल में से निकल आए। उन्होंने चूहे को बहुत धन्यवाद दिया। बूढ़े कबूतर के पास जाकर सभी कबूतरों ने उससे माफी मांगी। बच्चों, जानते हो, सब कबूतर मिलकर उस बूढ़े कबूतर से बोले, कबूतर चाचा, हमने आपकी बात नहीं सुनी और उसकी हमें सजा मिल गई। हम वादा करते हैं अब से ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए ना। तो बच्चों, ये थी कहानी कबूतर की। आप सबने बूढ़े कबूतर की अकलमंदी की कहानी सुनी, क्यों, अच्छी लगी ना? अब हम सुनाते हैं एक बकरी के बच्चे और भेड़िये की कहानी। एक बकरी थी, वो के पीछे पीछे ही चलते रहते थे। जहां भी बकरी जाया करती थी वह तीनों बच्चे उसके पीछे पीछे भागते। एक दिन बकरी ने अपने तीनों बच्चों को पास बुलाकर कहा, आज मैं जंगल में घास लेने जा रही हूँ, वहां तुम्हारा आना ठीक नहीं है, तुम घर पर ही रहना, और हाँ, बाहर बिल्कुल मत जाना। दो बच्चों ने तो अपनी माँ की बात मान ली, लेकिन तीसरा बच्चा बड़ा शैतान था। वह चुपके से अपनी माँ के पीछे पीछे चला गया। वह अपनी माँ से थोड़ी दूर पर चल रहा था, क्योंकि अगर उसकी माँ उसे देख लेती तो उसे वापस भेज देती। जंगल के पास एक छोटी नदी थी, उसके दोनों किनारों पर हरी हरी झाड़ियां थी। वहीं रुककर बकरी का बच्चा वह पत्ते खाने लगा और उसकी माँ आगे चली गई। उतने में ही एक भेड़िया नदी के किनारे पानी पीने आया। उसने दूर से बकरी के बच्चे को देखा। उसको देखकर भेड़िये के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, आहा, आज मैं इस बच्चे को खाऊंगा। धीरे धीरे भेड़िया बकरी के बच्चे के पास पहुंचा और बड़े प्यार से बोला, आहा, कहो बेटे, तुम क्या कर रहे हो? बकरी का बच्चा बहुत मस्त होकर पत्ते खा रहा था, पर भेड़िये को देखकर और उसकी डरावनी आवाज सुनकर वह बहुत डर गया। इतना डर गया कि वह कुछ बोल भी ना सका। भेड़िया फिर से बोला, खाओ बेटे, खाओ, खूब खाओ, पेट भर कर खाओ, मुझे भी बहुत दिन से कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला, आज मैं तुम्हें खाऊंगा। यह सुनकर बकरी का बच्चा चौंक उठा। वह बोला, भेड़िये मामा, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मुझे खाकर आपको क्या मिलेगा? भेड़िया अपनी जीभ लटकाकर बोला, हाँ, मुझे बकरी के छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। बकरी का बच्चा बहुत डर गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। कुछ और सोचकर बोला, अच्छा तो भेड़िया मामा, आप पहले मुझे एक गाना सुना दो ना, फिर मुझे खा लेना। भेड़िया बोला,
अरे भला मुझे गाना कहाँ आता है? लेकिन बकरी का बच्चा बोला, हाँ मेरी माँ ने मुझे कहा था कि भेड़िया मामा बहुत अच्छा गाना गाते हैं। यह सुनकर भेड़िया बहुत खुश हो गया। उतने में दूर जंगल में कुछ शिकारी कुत्ते जा रहे थे। उन्होंने भेड़िये की बेसुरी आवाज सुनी। वह सब उस आवाज के पीछे नाले की ओर दौड़ पड़े। भेड़िया आंखें बंद करके मस्त होकर गा रहा था। इतने में शिकारी कुत्ते वहां आ पहुंचे। भेड़िया शिकारी कुत्तों को देखकर घबरा गया, लेकिन जब उसने वहां से भाग निकलने की कोशिश की तब उन शिकारी कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। अब वह बच नहीं सकता था। बकरी का बच्चा मौका देखकर वहां से भाग निकला, तेजी से दौड़ा, भागता ही गया और जब अपने घर पहुंचा तब कहीं वो जाकर रुका। अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया और कान पकड़ लिया और निश्चय किया कि अब से हमेशा अपनी प्यारी माँ की बात सुनेगा और मानेगा। बच्चों, इतने छोटे से बकरी के बच्चे ने खतरनाक भेड़िये से अपनी जान कैसे बचा ली? और अब हम आपको सुनाएंगे कहानी चालाक खरगोश की। बच्चों, एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वो अपने आप को जंगल का राजा कहलवाता था। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे और उसका गुस्सा भी उतना ही भयानक था। उसको भूख भी बहुत ज्यादा लगती थी और जब उसे खाना नहीं मिलता था तो उसके गुस्से का पार नहीं रहता था। उसकी क्रोध भरी आवाज सुनकर जंगल के सब जानवर कांप उठते थे और अपने अपने घरों में छुप जाते थे। बंदर और गिलहरियां पेड़ों पर चढ़ जाती तो खरगोश भागकर अपने दड़बे में छुप जाते और पक्षी भी तितर बितर होकर इधर उधर उड़ जाते। ऐसा था शेर का गुस्सा। एक दिन सब जानवर तंग होकर बोले, हमें शेर को मिलना चाहिए और कोई ना कोई फैसला करना ही चाहिए। ये रोज डर डर कर भागना अब हमसे नहीं होता। जानते हो बच्चों, अगले दिन जंगल के सब जानवर इकट्ठे होकर शेर से मिलने जा पहुंचे। जानवरों को देखकर शेर ने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? चालाक लोमड़ी अपना सिर झुकाकर धीरे से बोली, महाराज, हम सब आपकी प्रजा हैं और हमारी तकलीफ आप ही हल कर सकते हैं। शेर अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, बताओ तुम्हारी क्या तकलीफ है?
लोमड़ी बोली, महाराज आप रोज बहुत सारे जानवर मार डालते हो और उन सब को खा भी नहीं पाते। तो क्या हुआ? लोमड़ी ने जवाब दिया, अगर आप रोज ही इसी तरह जानवरों को मार डालोगे तो थोड़े ही दिनों में जंगल में सारे जानवर खत्म हो जाएंगे और फिर आपको भूखा ही रहना पड़ेगा। अगर आप बुरा ना माने तो हमने इस समस्या का एक उपाय सोचा है। वो क्या है? तब बूढ़ा हाथी आगे आकर बोला, मैं बताता हूँ महाराज, हम आपके पास रोज दोपहर भोजन के समय एक जानवर भेज दिया करेंगे। आपको अपना शिकार ढूंढने में भी तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी और आपको आपका खाना यहीं पर मिल जाए करेगा। बच्चों, शेर ने सोचा कि इनकी बातें लगती तो कुछ ठीक हैं। वो बोला, अच्छा मुझे तुम सब की बात मंजूर है। सब जानवर चिल्ला उठे, याद रखो, अगर एक भी दिन तुमने किसी जानवर को नहीं भेजा तो मैं तुम सब जानवरों को मार डालूंगा, समझे? तब सब जानवरों ने एक साथ कहा, महाराज हमें आपकी शर्त मंजूर है। तो बच्चों, उस दिन से प्रतिदिन शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। कभी किसी बंदर की तो कभी किसी भालू की बारी होती, कभी एक गाय को भेजा जाता तो कभी एक गीदड़ को। और एक दिन एक प्यारे से चंचल और होशियार खरगोश की बारी आई। बेचारा खरगोश अपने छोटे भाई बहनों और अपनी माँ से विदा लेकर उदास मन से शेर की गुफा की तरफ चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वो सोच रहा था, मुझे कोई ना कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी जिससे हमें शेर के इस अत्याचार से छुटकारा मिल सके। बेचारा खरगोश सर झुकाकर चल रहा था, उतने में वो एक पानी के कुएं से जा टकराया। उसने जब कुएं में झांक कर देखा तो उसने उस कुएं में अपनी परछाई देखी। ये देख उसको एक तरकीब सूझी। वो धीरे धीरे चलने लगा और रास्ते में आराम करता हुआ शेर के पास देर से पहुंच सका। बच्चों, भूखा शेर गुस्से से भरा बैठा था। खरगोश को देखते ही गरज उठा, इतनी देर से क्यों आए? तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कब से भूखा बैठा हूं और तुम जैसे छोटे जानवर से तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। बच्चों, खरगोश सिर झुकाकर धीरे से बोला, महाराज पहले मेरी बात तो सुनिए, मैं तो जल्द ही आ रहा था परंतु रास्ते में मुझे एक और शेर मिला। हाँ, और उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने उसे जवाब दिया कि मैं जंगल के राजा के पास जा रहा था। वह गुस्से होकर बोला कि उसके अलावा जंगल का राजा दूसरा कौन है। वो मुझे पकड़कर खाने ही वाला था लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से भाग निकला हूँ। दूसरा शेर और वो भी जंगल का राजा, कहाँ है वो? शेर लाल पीला होकर चिल्ला उठा था, जल्दी बताओ कहाँ है वो? उसने मेरे जंगल में आने की हिम्मत कैसे की? मैं उसे मार डालूंगा। बच्चों, खरगोश बोला, लेकिन लेकिन महाराज आप तो भूखे हैं। जब तक मैं उस शेर को नहीं मार डालूंगा तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। चलो जल्दी चलो, अब समय बर्बाद नहीं करो। जानते हो बच्चों,
खरगोश शेर को घने जंगल में उसी कुएं के पास ले गया जिससे वो टकराया था। शेर गरज कर बोला, कहाँ है वो? महाराज, वो इस गहरी गुफा में रहता है। और खरगोश ने कुएं की तरफ इशारा किया। शेर ने कुएं में झांका। शेर को कुएं में अपनी परछाई दिखाई दी। उसने उस परछाई को दूसरा शेर समझा। उसे देखकर वो गुस्से से गरजने लगा। कुएं में से और भी ऊंची गरज सुनाई दी। जानते हो बच्चों, ये उसकी अपनी ही गरज की गूंज थी। पर शेर इस बात को नहीं समझ पाया। उसने सोचा कि दूसरा शेर सामने से गरज रहा है। उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। वो जोर से गरजा और दूसरे शेर को मारने के लिए वो कुएं में कूद गया और कुएं की दीवार से टकराकर पानी में डूबकर मर गया। जानते हो बच्चों, खरगोश तो बड़ा खुश हुआ। खुश होकर जंगल के सब जानवरों को यह बताने के लिए चल पड़ा कि अब उन्हें किसी बात का डर नहीं। जंगल का शेर अब नहीं रहा। उसकी कहानी सुनकर सब जानवरों ने खरगोश को कंधे पर उठा लिया। सभी खुशी के मारे नाचने लगे, कूदने लगे। उनको नाचता देखकर बूढ़ा हाथी बोला, भाइयों, आज से इस जंगल का राजा हमारा बहादुर खरगोश है। खरगोश ने चालाकी से न सिर्फ अपनी जान बचाई पर जंगल के सारे जानवरों की भी जान बचाई। यानी है समझ गए, गवैये गधे की कहानी। एक गांव में लाद कर घाट जाना पड़ता था और शाम को धुले हुए कपड़ों को वापस घर लाना पड़ता था। सिर्फ रात होने पर उसे घूमने की छुट्टी मिल जाती थी। गधे को घूमना बहुत ही अच्छा लगता था। वो हर रात कोई नया रास्ता लेता और नए नए दृश्य देखकर खुश हो जाता। लेकिन कहीं भी जाए वह वापस तो घर जरूर लौट आता। एक बार जब वो रात को घूम रहा था तो उसकी मुलाकात एक गीदड़ से हुई। क्योंकि दोनों अकेले थे और दोनों को खाने की तलाश थी, दोनों अच्छे दोस्त बन गए और खाने की खोज में साथ साथ घूमने लगे। इसी तरह घूमते घूमते वो एक ककड़ी के खेत के पास जा पहुंचे। उस खेत में ताजी और भरी भरी ककड़ियां की भरमार थी। दोनों दोस्त चुपके से खेत में घुस गए और पेट भरकर ककड़ी खाने लगे। अब तो दोनों को मजा आ गया। दूसरी रात को भी वह फिर उसी ककड़ियों के खेत में गए और भरपूर ककड़ियों की दावत खाई। कई दिनों तक वह दोनों उसी खेत में जाते और मस्त होकर ताजी ताजी ककड़ियां खाते। और ककड़ियां खा खा कर मरियल गधा तो अब मोटा ताजा हो गया। एक रात पेट भर कर ककड़ियां खाकर गधा मस्त हो गया और मौज में आकर गीदड़ से बोला, भैया देखो जरा आसमान की ओर तो देखो, चांद चमक रहा है, तारे टिमटिमा रहे हैं और ठंडी हवा चल रही है। क्या सुहानी रात है। ऐसे में मेरा मन तो
गाने को कराए। अरे 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 गधे भाई, कहीं सचमुच गाने ना लगना। अगर खेत के रखवालों ने हमारी आवाज सुन ली तो हमारी पिटाई हो जाएगी। हम यहाँ चोरी चोरी ककड़िया खा रहे हैं और चोर को चुप रहना ही भला है। भला गधे को अकल में यह बात कैसे उतरेगी। वो बोला, अरे ये क्या बातें करते हो गीदड़ भैया, तुम तो ऐसे ही डर रहे हो। आज सुहाना मौसम है और मैं बहुत खुश हूँ। मुझसे अब नहीं रहा जाता, तुम मुझे मत रोको, मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया गाना सुनाऊंगा। अरे 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 नहीं गधे भाई नहीं, तुम अपना मुंह बंद रखो वही अच्छा है, और फिर तुम्हारी आवाज भी तो इतनी बेसुरी है। क्या कहा, लगता है तुम जरूर मुझसे जलते हो। तुम्हें ना सुर का पता है और ना ताल का, संगीत का आनंद तुम क्या जानो। अरे अरे गधे भाई ठहरो, मैं तुमसे फिर एक बार विनती करता हूँ। खेत वाले तुम्हारा गाना सुनकर एकदम आ जाएंगे और तुम्हें ऐसा इनाम देंगे जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। इसीलिए अभी भी कहता हूँ कि मेरी बात मान लो और गाने का इरादा छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो जरूर गाऊंगा। अच्छा भाई अच्छा, तुम जी भर कर गा लो, लेकिन पहले मुझे बाहर निकल जाने दो, मैं थोड़ी दूर पर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। और यह कहकर गीदड़ खेत से बाहर चला गया। और इधर गधे ने ऊंचे स्वर में अपना गाना रेखने शुरू कर दिया। उसके रेंकने की आवाज दूर दूर तक पहुंच गई और खेत के रखवालों ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी वैसे ही वो अपने अपने डंडे लेकर खेत की तरफ दौड़ने लगे। गधा तो मस्त होकर गाता ही चला जा रहा था, लेकिन उस पर ऐसे डंडे पड़े कि वो दर्द के मारे चिल्ला चिल्ला कर वहीं लुढ़क कर गिर पड़ा। और फिर सब लोगों ने गधे के गले में एक भारी पत्थर बांध दिया और वापस चले गए। खेत के बाहर गीदड़ अपने दोस्त के इंतजार में खड़े खड़े थक गया। जब गधे को होश आया तो वो धीरे से उठकर दर्द का मारा घिसटता हुआ बाहर आया। उसकी बुरी हालत देखकर गीदड़ बोला, अरे वाह गधे भाई वाह, खेत के रखवालों ने तुम्हारे गाने से प्रसन्न होकर इतना बड़ा इनाम दिया, बधाई हो बधाई हो। गधे ने सर झुकाकर जवाब दिया, मुझे और क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मानी ना, तो उसका फल भुगत रहा हो। चारा गधा, वो तो जिंदगी भर गाने का नाम नहीं लेगा। कैसी पिटाई हुई उसकी। ऐसा ही होता है घमंडी होने का नतीजा। और अब ये कहानी जो आप सुनने जा रहे हैं वो है मूर्ख कछुए की। Thank you.
बच्चों, तुमने अकलमंद कछुआ और घमंडी खरगोश की कहानी तो जरूर सुनी होगी, लेकिन ये कहानी एक मूर्ख कछुए की है। बहुत समय की बात है, एक तालाब में एक कछुआ रहता था। वही तालाब के किनारे दो बगुले भी रहते थे। उन तीनों में गहरी दोस्ती थी। वो रोज बड़ी देर तक बैठकर गप्पे मारते थे और इसी तरह मौज मस्ती में उन तीनों ने कई साल बिताए। एक बार वहां सूखा पड़ गया, पानी नहीं बरसा, नदी तालाब कुएं सब सूख गए, खेत मुरझा गए और आदमी और जानवर प्यास से मरने लगे। चिड़ियां भी अपने अपने घोंसले छोड़कर पानी की तलाश में दूर दूर तक उड़कर चली गई। अब दोनों बगुलों ने भी यही सोचा कि वो उड़कर कहीं और चले जाएं। वो दोनों जब अपने दोस्त कछुए से विदा लेने गए तो वो उदास होकर बोला, आप लोग अपने दोस्त को यहाँ मरने के लिए छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले चलते? एक बगुले ने जवाब दिया, मेरे दोस्त, हम तुमको छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, और तुम फिर उड़ना भी तो नहीं जानते, हम तुम्हें कैसे अपने साथ ले चलें? कछुए ने कहा, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारी तरह उड़ नहीं सकता, लेकिन अगर मैं तरकीब बताऊं तो क्या तुम लोग मुझे अपने साथ ले चलोगे? दोनों बगुले ने एक साथ जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं? कछुए ने कहा, तो सुनो, तरीका बहुत आसान है। एक मजबूत डंडी ले आओ, उसके दोनों सिरों को तुम दोनों अपनी अपनी चोंचों में कसकर पकड़ लेना और मैं डंडी को बीच में से पकड़कर लटक जाऊंगा। इस तरह तुम मुझे भी ऐसी जगह लेकर उड़ जाना जहां हमें पानी की कोई तकलीफ ना हो। बगुलों को यह तरकीब पसंद आई और जल्दी से उड़कर एक मजबूत डंडी ढूंढ लाए। लेकिन चलने से पहले बगुले ने कछुए को चेतावनी देते हुए कहा, तुम बहुत ही बातूनी हो, तुम्हें वायदा करना पड़ेगा कि तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे जब तक हम तुम्हें ले जाएंगे। हमें फिकर है कि तुमसे बिना बोले रहा नहीं जाता, और तुमने भूल से भी अगर मुंह खोला तो तुम सीधे नीचे गिर जाओगे और चूर चूर हो जाओगे। कछुए ने जवाब दिया, भला मैं इतना मूर्ख थोड़ी ही हूँ, मैं वायदा करता हूँ कि मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। और फिर डंडे के दोनों किनारों को बगुलों ने अपनी अपनी चोंच में पकड़ लिया और कछुआ लकड़ी को अपने दांतों से पकड़कर बीच में लटक गया। बगुले उस डंडी को लेकर उड़ चले। आसमान में ऊंचे उड़ने लगे, पहाड़ियों से ऊपर, खेतों से ऊपर, उड़ते उड़ते वो एक शहर के ऊपर से उड़ने लगे और उनको देखकर लोग सड़कों पर आ गए और कहने लगे, अरे अरे देखो, अरे देखो, देखो, देखो आसमान की ओर देखो, देखो वहां। लोगों ने ऐसा तमाशा कभी नहीं देखा था। वो सब जोर जोर से हंसकर तालियां बजाने लगे। लोगों को हंसते हुए देखकर कछुए को बहुत ही गुस्सा आया। उससे बिना बोले रहा ना गया। उसने कुछ कहने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला तो लकड़ी उसके मुंह से छूट गई। वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया और फिर मर गया। क्यों बच्चों, कहानियां सुनकर मजा आया ना? इन कहानियों से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा।
और अब हम आपसे विदाई लेते हैं।